हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग अपने डोमेन के अंदर हिस्ट्री को सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके का आपका सिलेबस रहने वाला है और किस तरीके से आपको जो है इसमें अच्छा स्कोर करना चाहिए। ओके, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए हिस्ट्री सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, ताकि आपको जो है आगे की वीडियो जो हमारे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, इस बार आपका ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए यहाँ पे सी जो है UET जो होने जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होने जा रहा है, उसमें अगर आप लोग डोमेन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप लोग डोमेन जो है यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आपको अगर हिस्ट्री से करना है, मान लीजिए कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हिस्ट्री ऑनर से करना है या फिर प्रोग्राम से करना है, इसी तरीके से अगर आपको BHU में करना है तो आपको ये जो सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो है UGC ने बिल्कुल क्लियर ये बोला है कि हम लोग जो आपसे पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो पूछेंगे वो आपको यहाँ पे जो है 12th बेस पे ही पूछेंगे, ठीक है, सारा का सारा जो रहेगा 12th बेस पे रहेगा। NCERT जो है आपकी, उसी के बेस पे हम लोग आपसे क्या है क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जो 12th की NCERT है उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है, और जो 12th की NCERT है उसमें आपके हिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, आपको उनको किस तरीके से पढ़ना है, उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गाइज हिस्ट्री की, ठीक है, तो हिस्ट्री बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होती है। जो इतिहास है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका आता है एंशियन हिस्ट्री, सेकंड आपका आता है मिडिवल हिस्ट्री, एंड थर्ड आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो जो हिस्ट्री है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो वर्ल्ड की हिस्ट्री हो, उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन पार्ट रहने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपकी NCERT जो आपकी चलती है, अगर आप NCERT को देखोगे, NCERT के सिलेबस को देखोगे, उसके पैटर्न को देखोगे, तो बिल्कुल इस तरीके से नहीं दिया हुआ है। मतलब सिस्टमेटिकल ढंग से आपको नहीं मिलेगा कि सबसे पहले आपको प्री हिस्टोरिकल मिलेगा, उसके बाद अगर आप लोग हड़प्पा सभ्यता में आओगे, उसके बाद वैदिक सभ्यता में आओगे, मौर्य काल आएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिकल ढंग से नहीं दिया गया है, इसमें आपको अलग ही तरीके से सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी गई है। तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप लोग चीज़ों को जो है ईजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सारा कुछ इजी लगने लगेगा। अब देखिए, मैं आपको स्टार्ट करता हूं, और यहां पे मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की तरफ लेके चलता हूं। मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास में एनसीईआरटी की जो बुक जो चलती है, हिस्ट्री की जो बुक चलती है, ठीक है, वो यहाँ पे तीन बुक है, एनसीईआरटी में तीन बुक आपकी चलती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए, यानी कि इसमें तीन पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड करा है, मैंने आपको बताया। तो तीन पार्ट है, तीन बुक आपको मिलेगी इसमें हिस्ट्री के लिए। जो फर्स्ट बुक जो है गाइज, उसमें आपके चार चैप्टर मिलेंगे आपको, एंड जो सेकेंड बुक है उसमें आपको पाँच चैप्टर मिलेंगे, और जो जो थर्ड बुक है उसमें आपको छः चैप्टर यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस तरीके से आपके टोटल मिला के 15 चैप्टर है, जो कि आपको यहाँ पे अगर आप लोग BA प्रोग्राम हिस्ट्री से करना चाहते हो या फिर ऑनर्स हिस्ट्री से करना चाहते हो, तो आपको इन 15 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके जो है आप अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। तो देखिए, अब जो चैप्टर जो फर्स्ट है आपका, वो यहाँ पर क्या कहता है, पार्ट ए के अंदर मैंने बताया चार चैप्टर है, पार्ट सेकंड में आपके पाँच चैप्टर है, और पार्ट थर्ड में आपके छः चैप्टर है। इस तरीके से आपके टोटल मिला के चैप्टर हो गए, ठीक है, कितने चैप्टर हो गए, 15 चैप्टर आपके हो गए। तो जो पार्ट वन जो है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है गाइज, वो आपका है यहाँ पे द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज़, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। आपको पता है कि जो सिंधु सभ्यता कह लीजिए, हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो नाम है वो किस वजह से पड़े हैं, वो हम लोग जो है जब इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे समझेंगे, तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि जो है हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है सबसे पहले हड़प्पा क्यों पड़ा, क्या उसका रीजन था, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये जो सिटीज़ है, मेनली इसकी बात करी जा रही कि किस तरीके से उस समय में भी जो है यहाँ पे जो है सिटीज़ को डेवलप करा गया, और इतने अच्छे से डेवलप करा गया कि आप कह नहीं सकते, मतलब कितने अच्छे से इस चीज़ को डेवलप करा गया है, वो हम लोग जो है इस चैप्टर को जब डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको और समझाएंगे। तो यहाँ पे इसके अलावा जैसे ईंटे, मनके और अस्थियाँ, यानी कि जो जो सभ्यता जो विकसित हुई है तो किस तरीके से हुई है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो इन्हीं चीज़ों पे जब हम रिसर्च करते हैं, यही सारी चीज़ें जब हमें मिली है तो इन्हीं के बारे में हमें जो है क्या मिलती है, इन्हीं के माध्यम से जानकारी मिलती है। जैसे कि इनकी जो लिपि है उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जानने को मिलती है,
तो फर्स्ट जो चैप्टर है गाइज वो आपका यही रहने वाला है, और इसमें आपको डिटेल से पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसके आपके 3 या 4 पेज दिए हुए, नहीं, काफ़ी सारे इसके पेज दिए हुए, हर एक चीज़ को बारीकी से एनसीईआरटी में दिया गया है। और आपका जो सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका यहाँ पे किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, यानी कि राजा, किसान और नगर, ठीक है। तो इसके बारे में आपका है, जैसे सिंधु सभ्यता के बाद आपकी वैदिक पीरियड आता है, ठीक है, वैदिक सभ्यता आती है जिसमें हमारे वेद लिखे गए हैं, है ना। तो उसमें भी जैसे जो राजा है, किसान है और नगर है, किस तरीके से जो है राजा जो है यहाँ पे जनता पे शासन करता था, किस तरीके के नगर होते थे, नगर में जो अलग अलग जो लोग होते थे उनको क्या कहते थे, जो यहाँ का जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था, ये सारी चीज़ें हमें जो इसमें पढ़ने को मिलेगी। ये जो आपका गाइज ये आपका जो है 600 BC बिफोर क्राइस्ट से लेके जो है यहाँ पे 600 AD तक यहाँ पर ये आपका रहने वाला है, ठीक है। 600 BC से लेके 600 AD तक रहने वाला है। BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ओके, ईसा पूर्व की ये बात कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे जो आपका थर्ड चैप्टर है वो आपका जो है यहाँ पे गाइज जो जो यहाँ पे जो कास्ट है उसके बारे में यहाँ पर जो है दिया गया है, जो थर्ड चैप्टर है। अगर मैं थर्ड चैप्टर की बात करूँ तो इसमें आप लोगों को पता है कि जो अलग अलग जो रिलीजन जो बने हैं, ठीक है, किस तरीके की उस समय लाइक लोग थे, उनके अलग अलग कबीले थे, वो सारी चीज़ें जो है आपके इसमें थर्ड चैप्टर में ये लोग पूछने वाले हैं। इसी तरीके से फिर जो है आपके विचारक है और इमारतें हैं, यानी कि आप अगर देखेंगे तो उस समय किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन सी इमारतें किसके द्वारा यहाँ पर बनाई गई है, इस चीज़ को भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से समझेंगे। एनसीईआरटी में इसको भी काफ़ी डिटेल से यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो पार्ट जो वन है इसका, इसमें जो 4 चैप्टर है वो आपके यहाँ पे कवर करते हैं। मैंने आपको बताया 600 BC से लेके जो है आपका 600 AD तक का जो पार्ट है वो यहाँ पे कवर करता है। अब इसमें जितनी भी घटनाएं घटित हुई है अपने हिस्ट्री के अंदर वो सारा का सारा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। ये गाइज वैसे एनसीईआरटी का पार्ट है, एनसीईआरटी में आएगा। जैसे आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, उन सब के बारे में भी हमें इन्हीं पार्ट के अंदर पढ़ने को अब मिलेगा। तो ये जो है आपका गाइज अब जो चैप्टर वन है, जो पार्ट वन है उसमें ये सारे चैप्टर दिए गए हैं। वन सेकेंड, ओके, हाँ, ये हमारा जो है पार्ट सेकेंड है एनसीईआरटी का, जो जो पार्ट सेकेंड है वो यहाँ पर दिया गया है। तो अब इसमें हम लोग समझते हैं, इसमें आप लोग थोड़ा देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर यात्रियों के नज़रिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपका चैप्टर है इसमें यही है, जो अलग अलग जो लोग यहाँ पे इंडिया में आए, जैसे कि इसमें आपका जो है इब्न बतूता है, अल बिरूनी है, फ्रांसवा बर्नियर है, तो इन्होंने अपनी जो अलग अलग बुक लिखी है उस बुक में इन्होंने क्या वर्णन करा है, इन्होंने ये लिखा है इंडिया में किस तरीके के लोग थे, क्या यहाँ क्या इनका कल्चर था, किस तरीके से लोग रहते थे, राजा किस प्रकार का होता था, जनता पे जो है अत्याचार करता था या नहीं करता था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इन लोगों ने अपनी जो बुक है उसमें इन लोगों ने एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगला जो चैप्टर है, चैप्टर टू जो यहाँ पे है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बता दिया यात्रियों के नज़रिए, यानी कि जो लोग यहाँ पे आए थे अलग अलग, यहाँ पे इसमें जो है आपको 3 ही मुख्य रूप से मिलेंगे। एक आपका हो गया इब्न बतूता, एक आपका होगा हो गया फ्रांसवा बर्नियर, एंड एक जो है यहाँ पे आपका और हो जाएगा, तो टोटल मिला के 3 हो गए, ओके। उसके बाद जो आपका अगला जो चैप्टर है वो आपका है सूफी एंड भक्ति परंपराएं जो है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका सारा ही आ जाएगा, सूफी और भक्ति में कौन कौन से जो है यहाँ पे संत कवि हुए हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। अब जितना आप इजी समझ रहे हो उतना इजी ये है नहीं, अगर आप देखोगे इस चीज़ को डिटेल में उसमें देखने वाले हो तो उतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये आएगा, उसके बाद यहाँ पे अगला जो आएगा वो आपका आएगा जो विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर जो एम्पायर है उसके बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे ये कैसे मतलब अस्तित्व में आया, ठीक है, यहाँ के जो किंग थे वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या डेवलप करा, वो चीज़ें हमें जैसे कि देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ पे लगभग जो है 1336 की बात आती है जब यहाँ पे इसकी स्थापना करी जाती है। अरियर और जो बुक्का नामक दो भाई होंगे वो इस विजयनगर साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कृष्णदेव राय भी आएगा। तो ये जो जितने भी इसमें शासक रहेंगे, इसकी जो राजधानी रहेगी, ठीक है, हम्पी जो यहाँ पे है
उसकी खोज होगी, उस पे जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक मेंबर होगा वो आएगा, तो मतलब ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली है। ओके, तो इन चीज़ों को जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, एक एक चीज़ को आपको जो है बारीकी से समझना है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो चैप्टर है वो है किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, किस तरीके के उस समय जो है यहाँ पे जो किसान थे वो थे, और किसानों पे जो कर लगाने वाले जो जमींदार थे, और जो राज्य था राज्य पर जो है यहाँ पे जमींदार का दबाव होता था। ठीक है, सॉरी, जो है राज्य जो है जमींदार पे दबाव डालता था कि तुम किसानों से क्या लो, यहाँ पे कर्ज वो जो है वसूली करो, ठीक है, जो कर लेना है तुम्हें वो कर लो। तो इस तरीके से इन तीनों का क्या रोल रहेगा वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, जो फोर्थ चैप्टर है उसमें। ओके, अब इसी तरीके से आपका जो चैप्टर जो फोर है वो आपका जो है मुगल जो आ जाते हैं, जो मुगल एम्पायर जो आ जाता है आपका, ठीक है, मुगल जो एम्पायर जो आपका आ जाएगा, तो उस समय जो है यहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी वो सारी की सारी हमें जो है इस वाले चैप्टर में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर जो आपका जो सॉरी पार्ट जो आपका थर्ड है। ठीक है, जो तीसरी जो बुक है एनसीईआरटी में जो हिस्ट्री की वो आपकी आ जाती है लगभग जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक जो भारत है वहाँ पर आ जाती है। ओके, तो वहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जो है कॉलोनियलिज्म आ जाता है आपका, उपनिवेशवाद जिसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, और आउटसाइड जो एरियाज़ है उनके बारे में यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पे ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसने जो है अपने उपनिवेश बनाए, यानी कि किसी राज्य पे जो है अपना अधिकार स्थापित करना, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे यहाँ पे पार्ट थर्ड का जो चैप्टर सेकंड है वो है विद्रोही और राज। तो इसके अंदर बेसिकली आपका आता है 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है, किस तरीके से जो है किस क्रांतिकारी ने अपनी किस तरीके से भूमिका निभाई है, कौन जो क्रांतिकारी कहाँ का था, उसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पे फिर जो है औपनिवेशिक शहर आ जाते हैं, कि यानी कि जो जो शहर उस समय जैसे जो विकसित हुए, ठीक है, जैसे अभी आप लोग मुंबई कलकत्ता, तो इनका किस प्रकार से जो है यहाँ पे डेवलप हुआ, किस प्रकार से ये अस्तित्व में आई सामने आई, तो ये सारी चीज़ें अपने को इन्हीं चैप्टर में पढ़ने को मिलने वाली है। आगे का जो आपका चैप्टर है इसके अंदर फिर आपका, आप देखिए जितना इजी आपको लग रहा है उतना इजी नहीं है, मैं बता रहा हूँ चीज़ें आपको इसमें और जटिल से जटिल मिलेगी, बट आपको समझना पड़ेगा। फिर जो अगला चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर है पार्ट थर्ड का जो चैप्टर फोर है उसमें है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा कि गांधी के द्वारा कितने जो मूवमेंट किए गए, जो आंदोलन जो किए गए थे वो सारे आ जाएंगे। सत्याग्रह इन्होंने जो काफ़ी सारे मतलब किए थे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी कि पूरे गांधी को आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ जो है यहाँ पे जो एनसीईआरटी है उसमें बारीकी से दी गई है। ओके, तो राष्ट्रीय आंदोलन अपने को पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद अपने को यहाँ पे समझना है जो इंडिया का जो डिवाइडेशन हुआ था, विभाजन को अपने को समझना है, किस तरीके से यहाँ पे जो है जो इंडिया था पहले काफ़ी बड़ा था, आपको अगर आप मैप भी देखेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपने को उसमें देखनी है कि किस तरीके से उसका डिवाइडेशन हुआ। ठीक है, अभी जो इंडिया है वो ऐसा नहीं था, पहले उसके काफ़ी सारे पार्ट थे, बट वो फिर जो उसको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, तो उसका जो विभाजन है वो किस प्रकार से हुआ, ये सारा का सारा जो है हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, चैप्टर जो फाइव है आपका पार्ट थर्ड का। ओके, अब उसके बाद आपका आता है चैप्टर सिक्स जो है, जो कि एंड है, मैंने बताया आपको 15 चैप्टर है तो ये 15वां चैप्टर है। तो अब इसके अंदर आपका संविधान का जो निर्माण है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण किया गया, और उसमें कितने सदस्य थे, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ें जो है लाइक रखी, और किस तरीके से जो है हमारा जो है संविधान बना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आप लोग पढ़ते हो सारी चीज़ें, अगर पॉलिटी को पढ़ोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से बना, किसने अपनी क्या भूमिका निभाई, वो सारी चीज़ें जो है अपने को लास्ट वाला जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। तो अब देखिए अगर आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, हिस्ट्री के मैंने आपको तीनों पार्ट बताए, ठीक है, तीनों पार्ट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करे, तो अब इन तीनों पार्ट को आपको मैंने बताया कि बिल्कुल उस तरीके से नहीं दिया हुआ है कि आप सीधा सीधा आओगे डेट वाइज आओगे, ठीक है, कि जो है पहले सिंधु आई, सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, मौर्य, गुप्त, ऐसे नहीं दिया हुआ है, उनके जैसे किंग है तो पूरा उन्हें दिया हुआ है,
उनके कुछ कुछ चैप्टर दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग 11th की देखेंगे एनसीईआरटी, तो उसमें आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट है वो एक सिस्टमेटिकल ढंग से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो 12th की एनसीईआरटी है, इसमें आपको उतना सिस्टमेटिकल ढंग से नहीं देखने को मिलेगा। उसमें जो आउटसाइड के जो चैप्टर है, यानी कि उससे रिलेटेड है बट उन चैप्टर को पहले लिया गया है, और जो मेन चैप्टर है उनको यहाँ पे उसका पार्ट नहीं बनाया गया है, समझ लो। तो इस तरीके से ये सारा आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है, अगर आप लोग जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, चाहे वो आपका BHU हो, ठीक है, चाहे वो आपका DU हो। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर उन यूनिवर्सिटी की जहाँ पे ये आपका कोर्स ऑफर करा जाता है। अगर आप लोग JNU के लिए बोलोगे कि सर मुझे JNU में करना है, तो भाई साहब JNU में आपका ये नहीं होता है, हिस्ट्री ऑनर्स JNU में नहीं है। आपको वहीं जाना है जहाँ पे ये हिस्ट्री का कोर्स करवाया जाता है। तो आपको डोमेन का समझ में आया, यही सारी चीज़ें आपको गाइस पढ़नी है। एनसीईआरटी को आप फॉलो करिए, आपको और कोई भी चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी में ही सारी चीज़ें दी गई है, और UGC के जो चेयरमैन है उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि हम लोग एनसीईआरटी से ही पूछेंगे, बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब वो पूछ सकते हैं, वो उनकी है, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी की तो एक एक चीज़ को बारीकी से देख लेना है, ताकि यहाँ पे आपका जो 50% है, जो 50 मार्क्स का जो भी आपका पार्ट रहने वाला है, तो वो आपका कवर हो जाए, इसमें आप पूरा जो है मार्क्स लेके आ सके। ओके, तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सिलेबस आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।